आर्म्ड फोर्सेस में जाना है और आर्मी के बारे में ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या 10th के बाद आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं या 12th के बाद ही एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, डिटेल से समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला एंट्री है एनडीए एंट्री। एनडीए एंट्री के थ्रू बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही आर्मी में जा सकते हैं, और एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में दो बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर 5 दिनों का SSB इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन ज्वाइनिंग होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अनमेरिड होने चाहिए, एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। इस एंट्री के थ्रू आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, जहां 3 साल के बेसिक ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती है, फिर 1 साल की IMA में स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, फिर आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। अगला एंट्री है CDS एंट्री। इस एंट्री के थ्रू बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। CDS का एग्ज़ाम UPSC द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, CDS 1 और CDS 2 के नाम से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर SSB इंटरव्यू होगी, और फिर मेडिकल होगा एंड देन ज्वाइनिंग। CDS एंट्री के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई दोनों ही एकेडमी में जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स सिर्फ OTA में जा सकती है, जबकि बॉयज़ IMA और OTA दोनों ही एकेडमीज़ में जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो IMA और OTA में जाने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम। IMA के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच होना चाहिए, जबकि OTA के लिए एज लिमिट 19 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। IMA में आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप ऑफिसर बनते हैं। OTA में आपकी अराउंड 1 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप ऑफिसर बन जाते हैं। IMA में अराउंड 100 सीट्स होती है, जबकि OTA में अराउंड 170 सीट्स होती है। दोस्तों, NDA और CDS एंट्री के बारे में आम तौर से सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी और एंट्रीज़ हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, और कुछ तो डायरेक्ट एंट्रीज़ हैं विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम। तो अगला एंट्री है TES एंट्री, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होता, बल्कि इसमें आपको JEE के परसेंटेज कट ऑफ के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमेरिड और मेल होने चाहिए, एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद 60% मार्क्स होना चाहिए, और JEE मेंस में अपीयर्ड होने चाहिए। इस एंट्री के थ्रू आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसे 2 फेज में बांटा गया है। फेज 1 में आपकी 3 साल के बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी, जो कि CME पुणे, MCTE मोह या MCEME सिकंदराबाद में होगी। फिर फेज 2 में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग IMA देहरादून या डेजिग्नेटेड PCTA में होगी। इस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाएगी, और इसमें अराउंड 90 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है TGC एंट्री, यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसके कट ऑफ के अनुसार होता है, यानी अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग कट ऑफ आते हैं, और जो कैंडिडेट्स कट ऑफ को क्वालिफाई करता है उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है,
SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होता है और फिर मेरिट बनता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल हैं, वो भी मेल कैंडिडेट्स ओनली। एज लिमिट 20 साल से 27 साल है। इस एंट्री के थ्रू आपको 49 वीक्स का ट्रेनिंग मिलता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, फिर आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया जाता है। इसमें अराउंड 40 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है SSC टेक एंट्री, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। ये एंट्री भी एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता और इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के हिसाब से आपकी सिलेक्शन की जाती है। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग कट ऑफ तय की जाती है और जो इन कट ऑफ्स को क्लियर करते हैं उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, और जो ये SSB इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं उनका मेडिकल होता है। उनका मेडिकल क्लियर होने के बाद मेरिट में नाम आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। इसमें एज लिमिट 20 साल से 27 साल तक होता है। इस एंट्री के थ्रू आपको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स का ट्रेनिंग मिलता है और फिर आपको इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है, यानी इसमें मिनिमम 10 साल की सर्विस और मैक्सिमम 14 साल तक सर्विस आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें अराउंड 190 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री, जो कि एक डायरेक्ट एंट्री है, यानी इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, और NCC एंट्री डायरेक्ट एंट्री में भी सबसे बेहतरीन एंट्री है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यदि आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। SSB इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर मेरिट बनेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही NCC का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम बी ग्रेड होना ही चाहिए, तभी आप SSB के लिए रिकमेंड होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स के लिए OTA गया में होगी और इसके बाद आपको इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 52-55 होते हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए 5 सीट्स होते हैं। यहां से ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला एंट्री है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच एंट्री। ये एंट्री उन लॉयर्स के लिए है जो आर्मी में सर्व करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड मेल और फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास LLB डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। साथ ही वो कैंडिडेट्स जो बार ऑफ काउंसलिंग इंडिया और स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, बल्कि आपकी एलिजिबिलिटी और LLB के मार्क्स के हिसाब से आपको SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। SSB इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर मेरिट बनेगा। सेलेक्शन के बाद आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 से 12 होती है। अगला एंट्री है SCO एंट्री, और इस एंट्री के लिए आप इंडियन आर्मी में मिनिमम 5 साल की सर्विस किए होने चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड एंड मैरिड बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होना चाहिए और एज लिमिट 30 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। इस एंट्री के थ्रू सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग 8 वीक्स के लिए AEC सेंटर पचमहरी में होगी और फिर 1 साल की ट्रेनिंग OTA गया में होगी, और इसका सिलेक्शन SSB इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अप्रॉक्सीमेट 100 हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 10th के बाद वाली एंट्रीज के बारे में आपने बताया ही नहीं,
तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कमीशन्ड ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और तीसरा नन कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर दोनों ही ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली जॉब्स हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, जबकि नन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए होता है और ये अदर रैंक्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी इसमें आप डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बन पाते। पर यदि आपको 10th के बाद वाली आर्मी एंट्रीज के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।